थैंक यू सो मच चिंगारी के बारे में आपने यहाँ पे आया इतना प्यार दिया। चिंगारी एक फीलिंग है जो कि पहला मेरा डेब्यूटेंट है तो मेरे लिए बहुत स्पेशली हो गया। ऑब्वियसली मालदीव्स में शूटिंग किया, बहुत सारे परेशानियों का सामना किया, लेकिन एट द एंड प्रोडक्ट अच्छा बनाया है तो पीपल विल लव वॉचिंग इट। बहुत सारे चैलेंजेस आए क्योंकि मालदीव्स का वेदर यू डोंट नो, इट्स अनप्रडिक्टेबल, कभी भी कुछ भी हो जाता है। तो बोट का ये हाई टाइड्स लो टाइड्स बहुत सारे देखने पड़े, एवरी सिंगल डे कोई ना कोई न्यू चैलेंज आता था, बट वी फेस दैट। प्रोडक्ट अच्छा बना एट द एंड डे। ऑफ़र अब मोहम्मद अकमल लतीफ़ जी ने ऑफ़र किया तो अच्छा ही था, तो मैं उनको पहले से जानता था तो बिना सोचे आई एक्सेप्टेड इट। गाना तो आज पोस्टर लॉन्च ही है, पीपल आज पहला दिन है जो लोग को पता चले कि हाँ ऐसा भी कुछ मार्केट में आने वाला है, तो इसके पहले कोई कॉम्प्लीमेंट्स की कोई बात नहीं होती है, तो फ्रॉम टुडे विल रिसीव अ लॉट ऑफ कॉम्प्लीमेंट्स फॉर श्योर। बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट, डेब्यूटेंट है तो बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट है। सोचा तो नहीं था, हाँ, लेकिन अब सामना करना पड़े तो विल डू इट, फेस इट। दिव्यांगना वेरी कोऑपरेटिव, आई डोंट थिंक दैट अदर एक्ट्रेसेस वुड कोऑपरेट दिस मच एज शी डिड। लाइक वी एक्सटेंडेड अ डे, बहुत सारी परेशानियाँ हुई लेकिन शी मैनेज्ड विद मेकअप हेयर स्टाइल एवरीथिंग, शी मैनेज्ड कोऑपरेटिव बहुत ज़्यादा। बहुत सारे फनी मोमेंट्स एट दी मोमेंट तो आई एम नॉट रिमेम्बरिंग इट, लेकिन फ़नी मोमेंट्स स्केरी मोमेंट्स ज़्यादा हुए थे क्योंकि हाई टाइड से हमारी बोट फंस गई थी तो इट वॉज अ लॉट ऑफ ट्रबल। एक्सपेक्टेशन तो कुछ नहीं है, लेकिन होप फॉर द बेस्ट, होप कर सकते हैं कि हाँ प्रोडक्ट अच्छा बना है तो पीपल को लोग को पसंद आएगा। अपकमिंग अभी वेब सीरीज आने वाली है, साउथ मूवी आने वाली है, बहुत सारी चीज़ें लाइंड अप है, पीपल विल गेट टू नो। ऑडियंस को ये मैसेज देना चाहेंगे कि बहुत ज़्यादा मेहनत की है, बहुत ज़्यादा परेशानियाँ उठाई है, पहला डेब्यूटेंट मूवी है, सॉन्ग है, वेब सीरीज बहुत ज़्यादा है तो नर्वसनेस बहुत ज़्यादा है, इसलिए प्रिपेयर बहुत ज़्यादा किया था, तो प्यार दें और पसंद करें। चिंगारी, आई होप एक चिंगारी छोड़ दे विच लीड्स टू ग्रेट फायर, सो लेट्स होप, आई एम होपफुल गाना रिलीज होगा 25 तारीख को, तो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू ऑल योर ओपिनियंस। सी, एक्साइटमेंट इसलिए भी बहुत ज़्यादा है क्योंकि ये मेरा पहला म्यूज़िक वीडियो है एंड काफ़ी टाइम से मैं सोच रही थी बट ना वक्त मिल रहा था ना ही ऐसा कोई पर्टिकुलर चीज़ जो मैं उस टाइम पर कर सकूँ। ये बहुत ही लास्ट मिनट डिसीजन था, दो तीन लोगों ने सजेस्ट किया कि कर लेना चाहिए, नकाश ने गाना गाया है, मुझे गाना ट्रैक बहुत पेपी लगा एंड आई होप आप सबको भी लगे, इट्स वेरी वो गाना जो आप यू नो जस्ट पेप्स अप योर मूड। चिंगारी नाम से यू मस्ट रियलाइज, बहुत ही सुंदर लोकेशन पे शूट किया है हमने इन मालदीव्स, सो आई एम हैप्पी। पहला थॉट था डेट्स कैसे मैनेज होंगी, पहला थॉट वॉज कि मैं करना चाहती हूँ बट मेरा एक और शूट लाइंड अप था एंड वो भी एक सॉन्ग शूट है बट वो एक फिल्म के लिए है इन साउथ, तो फर्स्ट था कि कैसे मैनेज हो गया। आई पर्सनली थिंक अगर कोई चीज़ होनी होती है तो वो अपने लिए स्पेस फाइन कर ही लेती है। जी, अच्छा, बहुत अच्छा। कुछ इंस्टेंसेस थे मैंने रियलाइज़ किया क्या होता है, खास करके वहाँ जाने के बाद शूट करते समय हमें लगता है लोकेशन बहुत सुंदर है, इतना सारा पानी है, ब्लू, इट्स वेरी वाइब्रेंट, लेकिन शूट करते समय कुछ चीज़ों को लेके आपको बहुत केयरफुल होना पड़ता है बिकॉज़ शूट करते समय वो एक अलग तरीके का स्पंक होता है जो आपको सेंस ऑफ सिक्योरिटी से थोड़ा से ज़्यादा दूर लेकर चला जाता है। रिमेंबर कुछ शॉट्स जो नाउ इफ़ आई लुक बैक ऐसा लगता है रिस्की हो सकते थे बट ठीक है, उस बात सारा ही बिकॉज़ क्या हम अपने टोज पर थे, सी वहाँ पे ना टचअप का टाइम होता है ना आप अपनी वैनिटी में जाके कर सकते हो बिकॉज आउटडोर यानी यूर बाय योरसेल्फ एंड हम वहाँ दो दिन के लिए थे एंड पूरा गाना शूट करना था, बीच बीच में बारिश हो रही थी तो हम
काफ़ी इंस्टेंसेस थे जब हम वेट कर रहे हैं कि बारिश कब रुकेगी, एंड वी वेटिंग, एक घंटा हो गया बारिश नहीं रुकी. तो ये सारी चीज़ें होती हैं विच यू हैव टू कोप अप विथ, बट मज़ा आया ओवरऑल. मुझे बहुत थोड़ी सी ब्रीफिंग थी, मुझे पता था कि कोई न्यू है, बट सी इट्स ऑलवेज नाइस बिकॉज हर कोई कभी ना कभी न्यू होता है, सो फन एक्सपीरियंस. जी कुछ हिंदी फिल्म है जिनका ऑफिशियल अनाउंसमेंट मैं सिर्फ तब कर सकती हूँ जब मुझे करने दिया जाएगा. टेक्निकली मेरी एक साउथ की फिल्म अभी रिलीज़ होने वाली है कुछ दिनों में, DRN, सो दैट्स माई तमिल डेब्यू. एंड कुछ और फिल्में हैं जो मैं शूट कर चुकी हूँ. सो मुझे तमिल एंड तेलुगू बोलने नहीं आती, लेकिन मैं अपने डायलॉग्स कर लेती हूँ. तेलुगू थोड़ी बहुत समझ में आने लग गई है, बट हाँ फिलहाल. एंड मुझे ना प्रॉम्प्टिंग नहीं पसंद, सो अगर इतनी 25 लाइनें भी हैं सो हिंदी में एक बार पढ़ लेने से याद हो जाती है. देयर आफ्टर वी लाइक रीड एटलीस्ट 10-15 बार याद करने के लिए, बट याद करना इज द बेस्ट वर्क्स फॉर मी. आई होप मैं लैंग्वेज भी जल्दी सीख जाऊँ, बिकॉज अब मैं इतनी मेहनत लाइनों पर कर रही हूँ तो भाषा भी आ जानी चाहिए. वेरी डिफरेंट बट प्रॉब्ली वन ऑफ द बेस्ट, क्योंकि सी किरदार में कुछ नया करना एक चीज़ होती है, किसी और भाषा में एक्सप्रेस करना अपने आप में एक बहुत 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 अलग चीज़ है. ख़ास करके अगर आप रोल जैसे चुनो या रोल जैसे फॉर्चुनेटली मिले जहाँ आपके लिए एक्सप्रेशन बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अपनी भाषा में एक्सप्रेस करना एक चीज़ होती है, आपको पता है. उसमें भी कई बार यू नो यू हैव टू रियली रियली वर्क ऑन इट. तो एक डिफरेंट भाषा में मुझे हर शब्द का मतलब पता होना ज़रूरी है कि ये कंजंक्शन है, ये है. तो वो सारा प्रेप था, बट वो भी आई थिंक एक हफ्ते में सॉर्टेड हो जाता है. सो आई एम गुड. चिंगारी का बहुत ही चिंगारी जैसा ही एक्सपीरियंस था, इट हैड स्पार्क ऑल ओवर. मज़ा आया, बहुत फन टीम, लोकेशन बहुत प्रिटी थी. हम रश 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 गो गो गो, पर आई थिंक वो गो 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 में भी फ़न है, बिकॉज यू नो हम स्टेडी शूट तो करते ही हैं. जब आप सीन शूट करते हैं या फिल्म शूट होती है वो स्टेडी होती है, बट आई नो फॉर अ फैक्ट चाहे वो कोई भी चीज़ हो, जब आप आउटडोर जाते हैं खास करके गाने के लिए, वो एक रश आपके साथ ट्रैवल करता है जिसका कुछ नहीं हो सकता. सो इट्स फन. जी मैं एपिसोड्स ऑनेस्टली नहीं फॉलो कर रही हूँ, बिकॉज मैं कॉन्स्टेंटली शूट कर रही थी, बट मैं सलमान सर वाले एपिसोड्स देख लेती हूँ हियर एंड देयर, कहीं ना कहीं तो आई कैच अप, कभी यूट्यूब पे, कभी चलते फिरते टीवी पर देख लिया, बट हाँ ऑन एंड ऑफ. यार फेवरेट बताने पता है क्या होगा, जो लोग बिग बॉस देख रहे हैं ना वो लिखना स्टार्ट कर देंगे क्योंकि मैं फॉलो नहीं कर रही हूँ. एंड सलमान सर वाले एपिसोड्स में सारे ही बहुत वेल बिहेव्ड होते हैं, ठीक है, तो ओपिनियंस फॉर्म करना डिफ़िकल्ट है. एक्टर्स हैं, मैं उनको ऑब्वियसली मिल चुकी हूँ तो जानती हूँ, बट अब काफ़ी चीज़ें एक्चुअली आप लोगों से सुनने में ज़्यादा आ रही हैं, बिकॉज द मोर दैट आई एम स्पीकिंग आई एम रियलाइजिंग अच्छा बड़े सॉलिड ओपिनियंस हैं यहाँ. मैं जानती सभी को हूँ, तो आई एम या सो आई एम जस्ट वेटिंग कि अल्टीमेटली क्या होता है शो में. आप खेलना जिसने देखा है सीजन 9 में मैंने क्या खेला, मैंने कुछ सर लिटिल रॉन्ग पर्सन टू आस्क. सी मुझे खास तौर पे ऐसा लगता है मैं लास्ट इंसान हूँ जिससे झगड़ा हो सकता है, जो ऊँची आवाज़ में बात कर सकती है. तो मेरे लिए तो आई थिंक मुझे अभी तक समझ नहीं आया कि वो अच्छी बात थी या बुरी बात थी, लेकिन मैं बहुत ही शांत हूँ, तो जब मुझे कुछ समझ नहीं आता आई एम क्वाइट. एंड मुझे लगता नहीं है कि ये एडवाइस कोई मानना चाहेगा, तो इट्स ओके. प्लीज मैं सपोर्ट किसको कर रही हूँ, सभी फन है. रश्मि सिद्धार्थ देवो और कौन कौन है टेलीविजन से बात, सी दैट्स व्हाट आई एम सेइंग, मैं जानती सबको हूँ, बट अब सपोर्ट करने वाली बात एज अ गेम शो, जब आप फ्रेंडशिप को दूर रख के सिर्फ गेम शो की बात करते हो, आप तभी कर सकते हो जब आप सारे एपिसोड्स देख रहे हो, एंड वो मैं नहीं देख रही हूँ तो इट्स वेरी हार्ड टू से, बिकॉज एज फ्रेंड्स आई वुड वांट देम टू डू बेस्ट इन देयर लाइव्स. या ये भी बहुत जल्दी आई रीच इन टू कंक्लूजन्स, इनफैक्ट आप बता सकते हैं, मैं नहीं बता सकती. कौन कैसे बताऊँ, मैं देख ही नहीं रही हूँ.
चिंगारी बहुत ही पेपी सॉन्ग है. आई फील किसी के भी मूड को बहुत ही क्विकली पेप अप कर सकता है. ऐसी चीज़ अच्छी होती हैं जो आपको स्माइल कराएं, बिकॉज अल्टीमेटली एंटरटेनमेंट का कहीं ना कहीं मकसद होता है कि आप एक फ्यू वाले जोन में जाए लाइफ में. तो आई एम एक्साइटेड. मुझे ट्रैक बहुत पसंद है, नकाश ने गाया है. आई होप आप लोगों को भी पसंद आए. दैट्स व्हाट आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू. बहुत अच्छा लग रहा है. मुझे तो ये पता था इसकी बर्थडे भी है, तो हम उसको सेलिब्रेट करने आए थे. लेकिन चिंगारी पोस्टर लॉन्च है, तो हम चाहेंगे कि चिंगारी लगाए और हिट हो जाए. मेरे प्रोजेक्ट्स तो ऑलरेडी होल्ड पे हैं और इंशाल्लाह जनवरी तक जो भी होगा रिलीज़ होंगे, और नए साल के अंदर ज़रूर धूम मचाएंगे. मैं बिग बॉस लास्ट ईयर भी फॉलो नहीं की, इस बार भी फॉलो नहीं की, लेकिन वीकेंड का बार सलमान साहब की वजह से देखते हैं, और उसमें सारा क्राइटेरिया समझ में आ जाता है कि हफ्ते भर में क्या सीन हुए हैं. बिकॉज वो स्नीक पीक दिखाते हैं कि क्या है, ऐसा क्या हुआ था शो के अंदर, तो उसको देख कर समझ में आता है. देखिए मैंने अभी भी यही बोला कि सलमान खान के कोई घर वाले तो मतलब घर वाले भी होते तो वो कभी बायस नहीं हो सकते थे. सलमान जैसा फेयर होस्ट कहीं नहीं है. उन्होंने मेरी गलती पे भी बहुत डांटा है, नई गलती हुई है तो बहुत प्यार भी किया. अगर मेरे आंसू निकले तो उन्होंने कहा है तुम चुप हो जाओ, रो मत, नहीं तो आँखें इतनी बड़ी बड़ी हो जाएंगी. तो वो बहुत अच्छे इंसान हैं, और जो शो के अंदर होता है वही बोलते हैं, अलग से वो कुछ नहीं बोलते हैं. उनका किसी से लेना देना नहीं है कि वो शहनाज से प्यार करते हो या सिद्धार्थ से प्यार करते हो, हिमांशी से प्यार करते हो या माहिरा से या पारस से, किसी से नहीं. उनके लिए सब इक्वल है, और बिग बॉस के लिए भी सब इक्वल है. बहुत ज़्यादा मिस करती हूँ. आई लव बिग बॉस, एंड बिग बॉस के अंदर मेरी ज़िंदगी की सबसे खूबसूरत यादें हैं. जितनी ज़्यादा मस्ती मैंने बिग बॉस के घर में की हैं. जेल, आई लव जेल, मुझे जेल बहुत ज़्यादा पसंद थी. तो मैं जब जेल का सुनती हूँ, माय गॉड, सबसे पहले मेरा ही नाम लिया जाता था. अर्शी खान जेल में जाएगी, और मैं पैकिंग करने जाती थी, अपनी बॉटल उठाती थी, अपनी लिपस्टिक, नेल पेंट सब उठा लेती थी कि अंदर ही क्राफ्ट करते रहेंगे बैठ के. तो आई लव बिग बॉस किचन, बिग बॉस की आवाज़, किचन, बिग सलमान के घर से जो फ्राइडे के दिन खाना आता था, वो सबसे ज़्यादा मिस करते हैं. सलमान का छेड़ना के नागिन नागिन नागिन, जो उन्होंने मुझे टैग दिया है, नागिन नहीं है तो नागिन है, तो वो बहुत पसंद. मेरी तो पूरी लाइफ ही मैं खुद ही बदल गई, तुमको नहीं दिख रही. पहले बिग बॉस बहुत अलग लाइफ थी, लेकिन आफ्टर बिग बॉस बहुत अलग. ओनली सिद्धार्थ शुक्ला. सी आई नो डेवोलिना को मैं अच्छे से जानती हूँ, और बस सिद्धार्थ, सिद्धार्थ शुक्ला, आसिम रियाज एंड रश्मि देसाई. आई लव यू अवाम, थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट एंड योर लव. आप जितना ढेर सारा मुझे प्यार करते हैं, और 19 महीने 20 महीने के बाद भी आप मुझे इतना याद कर रहे हैं बिग बॉस के लिए. लव यू गाइज.